ये देखो हमारे गांव के बच्चे भी काफ़ी लगे हुए हैं, इसका भाड़ा एक तरह हो गया है। अच्छा ये सुने ना, ये तोर का पेड़ है जिसमें तोर की दाल होती है, अभी इसमें फूल आ रखे हैं तो कुछ महीने बाद ही निकालने के लिए हो जाएगी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। दोस्तों हो चुके हैं नए दिन की शुरुआत और आज का सीन ऐसा है दोस्तों, मेरे को काफ़ी टाइम अगस्त में हो गया था, लगभग 2-3 दिन बर्थडे के लिए आ रखा था मैं ज्योति के, लेकिन अचानक ही मेरा प्लान त्रियुगी नारायण जाने का बन गया और फिर वहाँ से आते आते 1-2 दिन तो मैं वहीं रहा, उसके बाद आज यहाँ पहुँचाऊँ अगस्त्यमुनि और मेरा सामान भी रह रखा था, तो आज अपना सामान सामान लेके निकलते हैं दोस्तों। बट अगस्त्यमुनि छोड़ नहीं रहे, कभी कभी आते रहेंगे। तो फाइनली तिलवाड़ा मार्केट पहुँच चुके हैं और जो इस साइड आप देख रहे हो वो सुमाड़ी मार्केट है, यहीं तिलवाड़ा में सारी गाड़ियाँ लगती है, मतलब जितने भी गाँव हैं आस पास जिनका बाजार तिलवाड़ा है सबकी गाड़ियाँ यहीं लगती है। इस साइड हमारा तिलवाड़ा मार्केट है, दिखा दे मार्केट। तो ये आप नदी देख रहे हो, ये मंदाकिनी नदी है जो कि केदारनाथ के चौड़ाबारी ग्लेशियर से आती है और आगे जाके ये गंगा में परिवर्तित हो जाती है हरिद्वार में जाके, क्योंकि वहाँ बहुत सारी नदियों का मिश्रण होता है। इसलिए घर पहुँचा भी नहीं था सही से कि आधे रास्ते में मम्मी का फ़ोन आ गया कि निहार लेने आ भाई। तो लगा लो दोस्तों गांव की लाइफ ऐसी होती है, मतलब कि मैं 2-3 दिन से ऐसे ही त्रियुगी नारायण में था तो मेरे को ढंग से सोने को नहीं मिला वहाँ, ऐसे ही होता है यार, रात तक प्रोग्राम चल लेते फिर सुबह भी प्रोग्राम चल लेते, बट क्या करें गांव की लाइफ ऐसी होती है। तो अब जाना तो पड़ेगा ही यार, मम्मी भी अकेले है क्योंकि एक बंदे ने खाना भी बनाना है तो साक्षी घर पर रह के खाना बना रही है। तो अभी पहुँच गया हूँ मैं खेत में और हमने ले जाना है बहुत सारा निहार जो कि धान का निहार है। कुमाऊँ में थोड़ा अलग तरीके से होती है धान की वो मनाई, यहाँ अलग तरीके से होती है और यहाँ ऐसा है कि अभी बहुत से लोगों का झंगोरा ही नहीं हुआ है और बहुत से लोगों की ये धान ही नहीं हुई है, तो आगे पीछे ऐसा माहौल चलता रहता है। और हम और क्या हुई पहला धान के मुकाबले हमने इस बार झंगोरा ज़्यादा उगा रखा था क्योंकि धान तो हमारे पास है, खाने वाले कम हैं, झंगोरा तो ऐसा है कि गाय भैंस के काम आ जाता है। हरा लग चुका है और मैं बोल रहा हूँ अच्छे से लगाना है क्योंकि मुझे लगाना नहीं आता, कहीं पर खुल जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बड़ी दिक्कत का सामना पकड़ना पड़ता है। कन मना लगनो तुम था, कैसा लग रहा है आपको? मैं था नहीं 2-4 दिन बेकार है, दोस्तों जो हमारा परिवार है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा है बट जो मेरे ताऊ लोग हैं वो हमेशा प्लान्स में ही रहते हैं पहले से ही, और हम लोग गांव में रहते हैं, उनकी ज़मीन विसारी हम ही पे है तो काफ़ी जिम्मेदारी है हम पे। आराम से उठो है ना, फिर क्या नहा धो के रेडी हो चुके हैं, अभी हमने लगाना है पराल बहुत सारा, आप इधर देख सकते हो। अखरोट खाने आ जाओ दोस्तों, ये देखो छिक्कल के साथ ये ऐसा होता है, बहुत से बाहर को लोगों को पता नहीं है ना, और ये है इसका पेड़ इस साइड, ये जहाँ पे हमने अभी पराल लगाया। तो दोस्तों बहुत से लोगों को इसकी पैकिंग का पता नहीं था तो इसका पेड़ भी मैंने आपको दिखा दिया है। आजकल बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है कि आपको बता नहीं सकते, अखरोट तक नहीं छोड़ रहे यार। अखरोट तो बहुत बड़ी बात है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं यार जो उनको नहीं खानी चाहिए वो भी वो खा रहे। चक्कर तो ले आया हूँ, एक चक्कर अभी और लाना है, धूप कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो उस टाइम लेके गया था वो धान का पराल था और इस टाइम मुझे जो लेके जाना है वो झंगोरा का निहार लेके जाना है। और ये साक्षी धूप से बचने के लिए बैठी हुई है, ये देखो पहचानी भी नहीं जा रही है, गुंडी बनी हुई है। और मैं तो कभी नहीं लगाता यार ऐसा मास्क वास, अब काले हो रहे हैं तो हो रहे हैं, क्या करें। अगस्त्यमुनि तिलवाड़ा में कभी मिलो तो पहचानने से इनकार मत करना, मैं ही होऊंगा शक हो तो अगर। और इधर देखो ये मम्मी लगी पड़ी है, जो ये खेत हैं धीरे धीरे खाली होना शुरू हो गए हैं और जब पूरे खाली हो जाएंगे तो मैं एक बार फिर आपको दिखा दूंगा। मेरे पीछे आप जो गांव देख रहे हो टाट पाली जेली मरगो हैं, काफ़ी लेट तक यहाँ धूप रहती है और काफ़ी ठीक ठाक गाँव है, ऊपर टाट का गाँव जो है वो काफ़ी ठंडा है और नीचे सारे गर्म गाँव है, जिस गाँव में मैं रहता हूँ वो भी गर्म है, यहाँ बर्फ और कम ही पड़ती है। तो गाइस ये आप घर जा रहे हैं और मुझे उतना खेत का वो पूरा न्यार बांधना है और ये घर जा रहे हैं, फिर ये दोबारा आएंगे लेने उसे। सबसे मेन दिक्कत दोस्तों इन बारीक रास्तों में ले जाने में होती है, आधा टेढ़ा करके जाना पड़ता है, आधा निहार तो ऐसे ही छूट जाता है चलते चलते। जो धान का पराल होता है वो हमने उधर लगाया था और जो झंगोरा का ये निहार है ये हम इस पे लगाएंगे। शाम काफ़ी हो चुका है तो सुनैना को बाहर निकालने का टाइम हो गया, चल ये देखो
इसके साथ ऐसा ही होता है दोस्तों, अगर कोई बंदा ना रहे तो ये, इसने अभी रास्ता देखा नहीं है मुझे लगता है ढंग से, इसी साइड आता है ये बार बार। इधर हमने अभी बाढ़ भी निकल रखी है ज़्यादा, तो डर इसी बात का रहता है, इसलिए बार बार इसके सामने बैठना पड़ता है। मतलब बाहर निकालने के लिए दो बंदे चाहिए ही चाहिए एवरी टाइम, सुने ना। ओ सुने ना, सुने ना सफेद या कॉल हुई। हाँ, हमारे गांव का घाम ऐसा है दोस्तों, अच्छे खासे इंसान को काला कर देता है, जैसे मुझे ही लगा लो, क्या गोरा हुआ करता था बस उन्हीं में रह के। मजाक था दोस्तों। कैसा लगा मेरा मजाक? तो शाम भी काफी हो चुकी है और एक लास्ट चक्कर मारते हैं। अब सभी लोग मार रहे हैं चक्कर, बच्चे ला रहे हैं, बूढ़े ला रहे हैं, और हम तो जवान लौंडे हैं, हमको तो लाना ही पड़ेगा। ये देखो हमारे गांव के बच्चे भी काफ़ी लगे हुए हैं, इसका भाड़ा एक तरह हो गया है। अच्छा यक जान तो इनमें थी। ओके यो आओ इनो क्या ची ओ एक ना पण बहुत लगे चीन है यू मुझसे रह के। देखो दोस्तों ऐसे रास्ते में ऐसी प्रॉब्लम होती है मेन। चलो मोबाइल पर छूटी तो मेन दिक्कत है यहाँ पे रास्ते की, रास्ता बहुत पतला है और भाड़ा देखो आधे से ज्यादा पराल ऐसे ही वेस्ट हो जाता है यार। गाइस मम्मी और भाई भी आ चुके हैं तीसरे चक्कर के लिए, अभी दो चक्कर ले गए है और मैंने पूरा न्यार बांध दिया है पूरा खेत। ये देख सकते हो पूरा खेत खाली हो गया है। ये वाला ये तोर का पेड़ है जिसमें तोर की दाल होती है, अभी इसमें फूल आ रखे हैं तो कुछ महीने बाद ही निकालने के लिए हो जाएगी। ऐसी बहुत सारे हो रखे हैं यहाँ पे पेड़ पौधे, ये कुछ ये ऊपर भी हैं। तो गाइस ये हमने कल काट के रखा था ये धान का कनका, और कल तीन दिन बाद हम इसे मारने वाले हैं और इसके न्यार को फिर सुखाने के लिए रखते हैं। और जो इस पे कपड़े लगा रखे हैं तो जंगली जानवरों के डर से लगा रखे हैं। ये हमारी चाची हैं, चाची भी न्यार लेने आई थी यहाँ खेत में, तो शाम भी बहुत हो चुकी है, अब मिलते हैं घर पे। रुक रे मैं उठ। ये भैया भैया ने भी ये ले जाना है, देख रहे हो इतना लंबा। तो दोस्तों मैं घर चलते हैं ना ना ठीक है। तो दोस्तों ये इस बार हमने इसलिए लगाया क्योंकि रास्ते में जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए लंबे में लगाया है इस बार। अब रास्ते में जाने में ठीक होगा, बट ये अजीब लग रहा है जैसे गुर क्या लग रहा हूँ। ठीक है तब दोस्तों मिलते हैं। बहुत भारी होता है ठीक से मैं तो भाई भी घर चला गया और अब हम लगाते हैं भारे और हम भी चलते हैं हम घर को। शाम भी बहुत हो चुकी है, देख सकते हो मौसम कितना अच्छा है, रात भी होने वाली है, सब घर जाने लग गए हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों अभी सड़क में आ रखा था आटा लेने, तो काफ़ी शाम हो चुकी है, आप देख सकते हो आसमान थोड़ा। किस्मत वालों को मिलता है ऐसा अमरूद, क्या मस्त है गुलाबी अमरूद,